अच्छा चंद्रकला, पहले तो सबको हाय बोल दे। हाय। अच्छा तू अभी जहाँ रहती है वो तू भाड़े पे रहती है? हाँ, भाड़े से। अच्छा, और ये जो इधर जो मस्जिद के पीछे है, हाँ। उसको क्या कहते हो जगह को तुम लोग? झोपड़पट्टी। झोपड़पट्टी बोलते हैं, मगर अभी झोपड़पट्टी जैसा है नहीं, सब पक्का हो गया अभी। हाँ, तो वो मैं तो जाऊंगी, देख के आती हूँ, सबको दिखाती भी हूँ। लेकिन तू इधर है तो उधर क्यों रह रही है? ये घर अच्छा नहीं था ना पहला, अभी बनाया। अच्छा, इसलिए बन रहा है घर। ओहो, चलो तो बनने के बाद इधर आ जाएगी, देखती अभी क्या बोलते लड़के लोग। तो तू तेरा उधर जहाँ भी रहती है ना, कितना है? एक ही रूम एक किचन है? एक ही ऐसा हाल और किचन। एक रूम और किचन, और उसमें तुम लोग कितने लोग हो? आठ लोग? नहीं, तीन लड़के तीन भाई। तीन लड़का, छह और दो बच्चा। हाँ, आठ लोग रहते उसमें। पहले वाला घर पे तो और लोग ना एक साथ? पहले वाले में तो हम लोग 14-15 रहते थे एक रूम में। सोचो, मतलब सोने ही आते थे ना लड़के लोग। तो अभी ये बन जाएगा तो यहाँ आने का ऐसे सोच रहे हो? सोच रही, अभी लड़के लोग बोलते इधर बाथरूम का ये नहीं बराबर। हाँ, उधर जाना पड़ता है, वो बाथरूम का टेंशन, उधर सब अंदर है, कुछ टेंशन नहीं। ठीक है, चल आज मैं आती हूँ, थोड़ा देखती हूँ कैसा है क्या है। ठीक है? ठीक है, ओके। सुबह चंद्रकला से बात की और अभी दोपहर को त्रिना आई है, तो मैं और त्रिना एक्चुअली बाहर जा रहे थे हम लोग, पर उसके पहले एक बार चंद्रकला के यहाँ हम जा रहे हैं ताकि आप लोगों को भी एक बार दिखाऊं कि मुंबई का झोपड़पट्टी कैसे होता है, मतलब स्लम एरिया। एक्चुअली मैं जाके दिखाती हूँ, आप देखिए। वो भी बहुत, वो लोग इतने अच्छे से रखते हैं ना, एंड बहुत खुश रहते हैं, जैसे भी उनका जीवन है, दे आर वेरी हैप्पी। अच्छा, आज फ्राइडे है ना, और यहाँ रास्ते में एक मस्जिद आता है, इतना भीड़ होता है कि गाड़ी आगे लेना ही मुश्किल हो रहा था। और एक बात मैं बताना चाहती हूँ, ये जहाँ मैं जा रही हूँ ना, यहाँ से मैं 20 लड़कियों को लेके कोविड के पहले एवरी संडे, मतलब हर हफ्ते वो लोग हमारे मेरे स्टूडियो में आते थे। मैं उन लोगों को डांस सिखाती थी, स्नैक्स देती थी, एंड इंग्लिश पढ़ाती थी। बहुत खुशी होके वो लोग आते थे, ऐसे 20 लड़कियां रेगुलर आते थे और बहुत इंटरेस्ट लेके सब कुछ सीखते थे। एक तो कोविड, ऊपर से जैसे आप लोगों को पता है मेरे बिल्डिंग में एक आधा लोग है जो किसी का भी अच्छा किसी का भी भला उनको पसंद नहीं है, क्योंकि ये बच्चे आ रहे हैं, वो कुछ सीख रहे हैं, शायद वो भी उनको पसंद नहीं, वो कह रहे हैं ये झोपड़पट्टी के बच्चे को बुला रहे हो, हमारे बिल्डिंग गंदा कर रहे हैं, बंद करो। तो समा वो बंद हो गया। तो मेरा यहाँ आने का एक और मकसद है, मैं ये देखना चाहती थी कि उधर कोई छोटा जगह अगर हो ताकि मैं फिर से वो शुरू कर सकूँ, और मैं हर हफ्ते यहाँ आ जाऊँगी उन लोगों को सिखाने के लिए। क्योंकि अच्छा काम करने के लिए ना, पता नहीं लोग क्यों ऐसे करते हैं, लेकिन जो करना चाहते हैं ना वो कैसे भी अपना रास्ता निकाल ही लेते हैं। तो ये सब सोच के साथ मैं यहाँ आई हूँ और आप लोगों को वो चंद्रकला का जगह भी दिखाऊंगी। चंद्रकला, इसकी पोती है, बुलाओ बुलाओ। ये बोलती क्या? बोलती बाबा आई बोलती। बाबा आई बोलती। नाम क्या है? नाम क्या नाम रखा उसका? उसका नाम बोलता है, कहीं मुझे आता नहीं बोलने। कैसे बुला रहे थे? अच्छा, उसका नाम अलग है, इसको बोलना नहीं आता। चल चल देख के, चल चल देखे इसका अंदर है। अच्छा, पर तू कौन से घर में थी? अभी जो मैंने फोन किया तो बहू भी उधर थी। अरे बाबा, ये देख के ना बाबा, ये लगने वाला था अभी मुझे, मैं कैमरा देख रही थी ना, तो ये कॉर्नर ऐसे उधर का एकदम मुझे। हाँ, चंद्रकला का इस घर में मैं कभी नहीं आई। देखो नोंगरा, ओह गॉड, है ना चंद्रकला?
सो रही है। अच्छा ये बन रहा है अभी। हाँ ये देखो चंद्र कलर एखाने छिलो घर तीनते সেটাকে ওরা ভালো করে তৈরি করছে, কারি কারি কাম কারি ভালো করে তৈরি করছে। হ্যাঁ পর জানা মুশকিল হোক না, নেই হাসে লে লেছি। এ আমার ব্যাগটা একটু ধরতো দেখি ওদিকে। আচ্ছা লাদি লাগা রে দেখো মস্ত ये भी ये भी दे रहा है। अच्छा तीन कमरा है घर में कुछ एक उसको क्या बोलते कोट माला। मैंने बोला हाँ मैंने बोला ना वो कुछ कितना दिन लगेगा भैया ये होने में पूरा 5-6 दिन में हो जाएगा। ओ वाओ चलो अच्छी बात है। ओके ये बाइक इधर काम कर रही हो आप? तो बंगाली हमें और चलो सीना चलिए। अच्छा अंदर और भी है, अंदर और लंबा रास्ता है जाओ। अच्छा अंदर रास्ता भी है, चलो हाँ जा रही हूँ। अंदर रास्ता नहीं रास्ता मतलब बाहर जाने का नहीं रे बाबू। हाँ ना रूमा ने अपना चंद्रकला ও আমার বাড়ি কাজ করে সেজন্য এটা দেখতে এসেছিলাম যে কি বানাচ্ছে কেমন বানাচ্ছে। হ্যাঁ বহুত আচ্ছা বন্ধু হ্যাঁ देखिए नीचे ऐसा लग रहा है अभी गिर जाऊंगी। चलो चलो थैंक यू थैंक यू। अच्छे से कर देना एकदम प्योर। चलो इसको ऐसा लग रहा है मैंने देखा था आपको देखा है। क्या नाम है? कलावती। अच्छा मतलब ऐसे ही आए थे कि चंद्रकला ओ वही मैं सोच हाँ मुझे वही लगा कि कहीं तो देखा है। ओके पर नाम कमाल का है कलावती चंद्रकला एक एक नाम तुम लोगों का बहुत अच्छा है। चलो ऐसा लगता है कि इंसान नहीं राग रागिनी का नाम। चलो ओके अभी ये बन जाए फिर आती हूँ एक दिन और। ठीक है तुम कहाँ रहती हो कलावती? अच्छा इसके पीछे साइड में। ओके अच्छा पानी वानी का क्या है सबका एक एक नल है? दो दो तीन तीन लोग भरते हैं हम लोग एक एक नल से। अच्छा मतलब अच्छा अच्छा ऐसे एक नल है ये टाइम पे आता है कि पूरा टाइम रहता है? टाइम टाइम पे आता है ना ओके okay. मतलब पानी का मारपीट नहीं है? पानी का मतलब आता है शुद्ध नहीं आता है नहीं मारपीट नहीं होता है पानी लेके नहीं ऐसा कोई नहीं होता। चलो ये मेरे नातरोटा है। अरे नाइस। अजय सर ऐसे बोलो तो सब हाय बोलो हाय। चलो चंद्रकला अभी जा रही हूँ मैं तेरा बन जाए फिर आती हूँ ठीक है। आने के बाद बनने के बाद इधर बैठ के मिठाई विठाई कुछ खिला घर नया बन रहा है तो उसके बाद ठीक है। चल ना बाबू लेट हो गया। चल मैं इधर ही अभी बाय करती हूँ फिर मैं आती हूँ ठीक है। मेरे पीछे ये जगह है जहाँ चंद्रकला एक्चुअली पहले रहती थी, अभी भाड़े पे दूसरी जगह पे है पर घर बना रही है वो फिर वापस आ जाएगी। तो घर जैसे बन जाएगा मैं फिर आऊँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी और आप लोग देख के समझ गए कि इनका ज़िंदगी कैसे है किस तरह से ये लोग रहते हैं। पर ये लोग बहुत खुश हुए हम आए और हमें भी बहुत अच्छा लगा।